सावरकर और लक्ष्मी बाई और नेता बोस कमिंग बैक टू दिस पीपल दिस पीपल न्यू दैट द ब्लड विल फ्लो बट इट शुड नॉट बी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी ब्लड दे न्यू इट एंड दे पेड अ प्राइज ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी वो भीख थी और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं अभी मुझ पे दस केस और होने वाले हैं इसके बाद बट ऑल्सो इट इज़ वेरी कंज्यूमिंग यू नो देर आर सो मैनी पीपल एंड आई डोंट लाइक सुपरफिशियल एंगेजमेंट सो आई नीड टू रियली एंगेज विद एंड ऑफकोर्स देर आर सो मैनी टॉपिक्स एवरी डे एंड आई मिस इन दैट काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद ऑथेंटिक पीपल but at the same time it saves a lot of energy and time and i can focus during covid i had that time but now i am not sure if i could have given that much time to uh, social media so i am more than happy to be suspended and being banned i love this word banned cognize banned like why do you love it because only something which is absolutely you know, one can't control. You know, like like drugs are banned, crime is banned, everything which is which can't be controlled by human and it, their potential is banned. So I like being banned. Smriti ji, uh, Rajniti ki baat aati hai to aaj kal Priyanka Gandhi Vadra ji, बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट ले रही हैं सब जगह जा रही हैं और उन्होंने हाल ही में कैंपेन भी एक शुरू किया है लड़की हूं लड़ सकती हूं आ, और शायद कहना यह चाह रही हैं कि घर पे लड़का है लड़ नहीं सकता है ये आ, पता नहीं शायद ऑडियंस ना समझी हो ये लड़का कौन सा है जिसके बारे में एक बारे बहुत पुरानी हिंदुस्तान में कहावत है कि ये पब्लिक है सब जानती है लड़का <laughs> कौन है उसको भी अच्छी तरह से पहचानती है मैं सार्वजनिक रूप से इस सभागार में उपस्थित हर हिंदुस्तानी से माफ़ी मांगूंगी जो मैं अब कहने वाली हूँ उस सज्जन ने एक किताब डेढ़ दशक पहले लिखी थी जिसमें इस व्यक्ति ने लिखा था कि चौरासी के जो दंगे हुए उसमें हिंदुओं और सिखों ने अपने पार्टीशन के पापों की सजा भोगी है यह सलमान खुर्शीद ने कल दो दिन पहले एक साल पहले नहीं लिखा डेढ़ दशक पहले लिखा था और उसमें लिखा है एक नंबर पृष्ठ है पेज है पढ़ लीजिएगा कि कितना मजा आया कि हिंदू और सिखों ने चौरासी के दंगों में अपने पापों की सजा काटी आप अगर वो पढ़ती हैं, ये जो लिखा है आपको आश्चर्य नहीं होता आश्चर्य इस बात का होना चाहिए कि वो लोग जो चुनाव के आते ही मंदिर मंदिर घूमते हैं वो कम से कम ये बता दें कि क्या वो वाकिफ हैं सलमान साहब ने हिंदू और सिखों के बारे में क्या कहा था क्या हिंदू और सिखों ने पाप किया था जो चौरासी के दंगे में हमें मौत के घाट उतारा गया ये वो न्यू फाउंड हिंदूज बता दें बड़ी कृपा होगी उनकी अखिलेश यादव 2014 में इलेक्शन हारे 17 में हारे 19 2019 में हारे मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव का जो यादव वोटर है वो अगर बीजेपी को वोट देता है तो अखिलेश यादव को कहते हैं कि हाँ छोटा भाई बड़ा भाई में लड़ाई हो सकती है और अगर मुसलमान किसी और जगह वोट देता है तो अखिलेश यादव कहते हैं या समाजवादी कहती है कि बीजेपी को जिता रहे हैं तो यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कोई मुसलमानों का नेता ना हूँ ना कभी बनूंगा इनशाला मेरा मेरा मेरी सोच नहीं मैं सिर्फ ये खुला खुला साफ कह रहा हूँ के देश की विधानसभा हो देश की लोकसभा हो वहां पर जहां पर हर कास्ट का एक रिप्रेजेंटेशन है अगर भारत की जमुरियत को डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो मैं कहूंगा कि इसमें हर कास्ट का एवरी कास्ट हैज देर ओन लीडर द ओनली कम्युनिटी और कास्ट विच हैज नो लीडर आर द मुस्लिम्स आर्गुमेंट यह है कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक है मैं ये कह रहा हूं इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक था ही नहीं There has always been a Hindu old Bank in this country. And in fact, in 2014, in Lok Sabha, I congratulated Narendra Modi for shattering this myth of Muslim World Bank. There was never a Muslim World Bank. There will never be a Muslim World Bank. That is that, how, how has that myth been shattered? Big because this has been told to the Muslims. Ki aap ka old bank hai. And and we and, and Muslims took it. They swallowed this. ही हाँ नहीं कभी मुस्लिम वोट बैंक अरे मुस्लिम वोट बैंक अगर होता तो फिर ये जो इतने जो प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने बताया हां मुस्लिम वोट बैंक अगर कहीं है तो जेल में है